मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। दोस्तों, लंबे वक्त से सिल्वर स्क्रीन से दूर रही बॉलीवुड एक्ट्रेस कोयना मित्रा बिग बॉस में भाग लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। जहां बिग बॉस में एंट्री लेते ही लोगों ने इन्हें खूब ट्रोल करना शुरू कर दिया, वहीं अब बिग बॉस में कुछ दिन बिताने के बाद जब लोगों ने इन्हें थोड़ा सा करीब से जाना तो वो इनके फैन बन गए। इसके बाद अब इनके फैंस, इनके चाहने वाले इनको और भी करीब से जानना चाहते हैं। हालांकि खुद कोयना मित्रा अपने बारे में गाहे बगाहे कोई ना कोई खुलासा करती रहती हैं, लेकिन इसके अलावा कोयना मित्रा के बारे में सब कुछ बताएंगे हम हमारे इस खास वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1984 में कोलकाता में जन्मी कोयना मित्रा एक बंगाली फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। इनके पिता विश्वनाथ मित्रा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो वहीं इनकी माँ एक स्कूल टीचर हैं। इसके अलावा इनकी एक छोटी बहन भी है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो अभी इनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, एक वक्त था जब इनके एक बॉयफ्रेंड थे जिनका नाम था मैट मेरल, जो कि टर्की के थे और पेशे से एक सीनियर पायलट थे। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बिग बॉस के अंदर ही कोयना बात करते हुए बताती हैं कि वो काफ़ी पजेसिव मिजाज के थे और इसी वजह से इनका रिश्ता उनके साथ ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं टिक पाया। मैट मेरल के लाइफ में आने से पहले कोयना की लाइफ में एक और मॉडल आ चुके थे जिनका नाम था राजीव सिंह। इनके साथ भी कोयना का रिश्ता काफ़ी लंबे वक्त तक चला था। बात करें अगर कोयना के डील डॉल की तो इनकी हाइट है लगभग 5 फुट 7 इंच और इनका वजन है लगभग 60 kg। बात करें अगर कोयना की प्रोफेशनल लाइफ की तो 14 साल की उम्र में ही इन्होंने बतौर मॉडल काम करना शुरू कर दिया था और स्कूल के दिनों में ही इन्होंने ब्यूटी पीजेंट ग्लैडरेक्स मेगा मॉडल इंडिया 2001 का खिताब जीता था। इसी खिताब को जीतने वाले दूसरे मेल कंटेस्टेंट थे राजीव सिंह, जिनके साथ कोयना का काफ़ी लंबे वक्त तक रिश्ता रहा। इसके बाद 2002 में फिल्म रोड में एक आइटम सॉन्ग के जरिए अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की कोयना ने, पर इनका जो ऐसा एक्टर डेब्यू हुआ वो हुआ 2004 में आई फिल्म मुसाफिर से, जिसका एक गाना साकी साकी काफ़ी पॉपुलर हुआ और कोयना रातों रात बन गई साकी गर्ल। वैसे फिल्मों में आने से पहले कोयना मित्रा ने कुछ बेहद पॉपुलर म्यूजिक वीडियोस दिए, जैसे कि आज की रात, इश्क बाय स्टीरियो नेशन, अक तेरी एंड जसबीर, जस्सी छन्नो वगैरह। फिल्मों की बात की जाए तो कोयना मित्रा अपना सपना मनी मनी, एक खिलाड़ी एक हसीना, इंसान, अनामिका के साथ ही कुछ रीजनल फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं जिसमें बंगाली और तमिल खास हैं। काफ़ी साल फिल्मी दुनिया में गुजारने के बाद आया साल 2010। ये वो वक्त था जब इंडस्ट्री में कोयना का बोलबाला था, लेकिन अचानक एक गलती ने मानो सब कुछ तबाह कर दिया। वो गलती थी प्लास्टिक सर्जरी। यूं तो प्लास्टिक सर्जरी करवाना फिल्मी दुनिया में बेहद आम बात माना जाता है, ज़्यादातर लोग इस सर्जरी के राज को छिपा कर रखते हैं, लेकिन इस सर्जरी में हुई एक भी गलती जो सामने दिखे सारा राज बयां कर देती है। ऐसे ही कुछ हुआ कोयना के साथ भी। किसी वजह से इनकी सर्जरी खराब हुई और मानो सब कुछ बदल गया, ना ही सिर्फ चेहरा बल्कि किस्मत भी। कोयना मित्रा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सर्जरी के बाद उनका चेहरा काफ़ी बिगड़ गया था। इसके बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। इस सर्जरी के कारण इनकी हड्डियां फूल गई थीं। इसके अलावा डॉक्टर ने यह भी कहा था कि अब सिर्फ दवाएं और दुआएं ही काम आ सकती हैं। इस सर्जरी के बाद कोयना ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया और कोयना के हाथों से काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निकल गए। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद 2011 में कोयना लॉस एंजल्स गईं, जहां उन्होंने फिल्म मेकिंग और अपनी एक्टिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा निखारने के लिए आगे की पढ़ाई की और वहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए जिसमें मिशेल हर्शल की फिल्म द स्टोरी ऑफ नाओमी प्रमुख हैं। इनकी आखिरी फिल्म 2015 में आई बंगाली फिल्म है जिसका नाम था बेश कोरेची प्रेम कोरेची। इन सब बातों के अलावा कोयना का नाम कई बार विवादों में भी आ चुका है। 2009 में खबरें आई थीं कि झारखंड के सीएम की रैली में आने के लिए
कोयना मित्रा ने पैसे लिए हैं। अफवाहों के बाद इस खबर ने काफी सुर्खियां बटोरी। बाद में सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि ये अफवाहें झूठी थीं। साल 2017 की कंट्रोवर्सी की बात की जाए तो कोयना ने एक अजनबी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। उनका कहना था कि कोई अनजान शख्स उन्हें अलग अलग फोन नंबर से फोन करके मैसेजेस करके अश्लील बातें करता है। ये मामला आईपीसी की धारा 509 के तहत दर्ज किया गया था। बात करें अगर इस साल की यानी कि 2019 की तो चेक बाउंस मामले में मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कोयना को 6 महीने की सजा सुनाई थी। दरअसल कोयना पर साल 2013 में मॉडल पूनम सेठी ने चेक बाउंस का मामला दर्ज करवाया था। पूनम ने आरोप लगाया था कि उन्होंने कोयना को 22 लाख रुपए दिए थे। इसमें से कुछ रकम लौटाने के बाद पूनम को उन्होंने 3 लाख रुपए का चेक दिया था जो बाउंस हो गया था। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 1,64,000 रुपए ब्याज समेत 4,64,000 रुपए चुकाने को कहे। हालांकि कोयना ने कहा था कि वो इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगी। तो ये थी बातें कोयना मित्रा की जिंदगी से जुड़ी। उम्मीद करते हैं इन बातों को जानने के बाद आप कोयना मित्रा को और भी ज्यादा करीब से जान पाएंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ही शुद्ध मनोरंजन में बस इतना ही।